आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ शर्लक होम्स की लिखी कहानी अ केस ऑफ आइडेंटिटी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये कहानी है शर्लक होम्स और वॉटसन की एक खास शख्स को लेके, जिसने अपनी ड्यूअल पर्सनैलिटी शो की और किस तरह से एक साथ दो औरतों को बेवकूफ़ बनाया। तो क्या है इस कहानी की सच्चाई, सुनते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है शर्लक और वॉटसन दोनों 221B बेकर स्ट्रीट में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। शर्लक पेपर्स की न्यूज़ पढ़ के बता रहे हैं वॉटसन को कि किस तरह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कई बार हस्बैंड मारा जाता है तो कई बार वाइफ मारी जाती है। लेकिन क्या वॉटसन ये सोच सकता है कि ये जो खबरें छपती हैं इनके पीछे कितना बड़ा क्राइम छुपा हो सकता है? अगर एक हस्बैंड अचानक घर छोड़ के चला जाता हो तो क्या पता उसका अफेयर चल रहा हो उसकी सिस्टर इन लॉ यानी उसकी साली के साथ, या फिर उसकी नज़र हो अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी पर, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है जो हमारी सोच के परे हो। यही सब बातें हो रही थी कि तभी एक इन लोगों को लड़की दिखाई देती है, काफ़ी लंबे चौड़े कद की, और वो बार बार शर्लक के घर के आगे इधर से उधर टहल रही थी। शर्लक कहते हैं कि जिस तरह से लड़की इधर उधर टहल रही है, असमंजस महसूस कर रही है अंदर आने में, इसका साफ मतलब है कि ये इसका कोई अफेयर चल रहा है और ये असमंजस में है कि इसे ये बात हमसे डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तभी कॉल बेल बजती है और वह लड़की ऊपर आती है। उस लड़की का नाम था मिस मैरी। मिस मैरी को देखते ही शर्लक उसके बारे में बहुत सी बातें प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जैसे वो अपने घर से बहुत हड़बड़ी में आई है, उसकी आंखें कुछ कमज़ोर हैं क्योंकि वो नीचे जो उनका नेम प्लेट था उसे आंखें सिकोड़ के देख रही थी। साथ ही शायद वो टाइपिंग काफ़ी करती है जो कि उसकी बाहें घिसी हुई थी। अब शर्लक जब ये सब बातें बताते हैं मिस मैरी को तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि क्या शर्लक उन्हें पहले से जानते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल्स उनके बारे में वो कैसे जान गए। इस पे वॉटसन हंसने लगता है और सारा एक्सप्लेनेशन बताते हैं शर्लक कि कैसे वो ये सब गैस वर्क कर लेते हैं, उनका दिमाग कितना तेज चलता है। मिस मैरी थोड़ी दुखी हैं। वो वहाँ बैठ जाती हैं और कहती हैं कि वो बहुत गुस्से में घर से आई हैं क्योंकि उनके जो पिता हैं मिस्टर विंडीबैंक, वो किसी भी तरह उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, ना ही पुलिस के पास उन्हें जाने दे रहे थे, ना ही वो डिटेक्टिव को हायर करने दे रहे थे। शर्लक कहते हैं मिस्टर विंडीबैंक यानी कि आपके सौतेले पिता। इस पे फिर चौंक जाती हैं मिस मैरी। तो कहते हैं देखिए आप दोनों का सर नेम अलग अलग है, आप मिस मैरी सदरलैंड हैं और ये मिस्टर विंडीबैंक हैं, तो इसका मतलब वो आपके सौतेले पिता हुए। तब बताती हैं मिस मैरी कि हाँ उनके जो पिता थे वो एक प्लम्बर हुआ करते थे और कोर्ट रोड पे उनका अच्छा खासा बिजनेस रन करता था। उनके मरने के बाद उनकी जो माँ हैं वो उनके असिस्टेंट के साथ अच्छा बिजनेस रन कर रही थी, लेकिन जब मिस्टर विंडीबैंक उनकी ज़िंदगी में आए जो कि काफ़ी ट्रैवल करते थे, उन्हें काफ़ी आइडिया था बिजनेस का, तब काफ़ी ऊंचे दामों पर उन्होंने उनके पिता का बिजनेस बेच दिया। लगभग 4700 pounds में वो बिज़नेस बेचा गया। तो शर्लक कहते हैं कि ओ अच्छा, तो आप क्या उसी पैसे पर अपना जीवन निर्वाह करती हैं? मिस मैरी बहुत खुददार लड़की हैं। वो कहती हैं कि नहीं नहीं उस पैसे पे वो कुछ भी नहीं लेती, वो सिर्फ टाइपिंग का काम करती हैं और उनके अंकल नेड हैं जो कि ऑकलैंड में रहते थे, उनके मरने के बाद लगभग 2500 pounds वो मैरी के नाम पे छोड़ गए थे, जो 4.5% ब्याज पे पैसा देता है। लेकिन इस ब्याज का पैसा भी मैरी नहीं रखती। 3-4 महीने के बाद वो जो ब्याज का पैसा इकट्ठा होता है वो अपनी मॉम को दे देती हैं। वो किसी तरह भी अपनी मॉम पे भार बनना नहीं चाहती। मैरी टाइपिंग का काम करती है, एक पन्ने का उसे 2 cents मिलता है और वो 15 से 20 pages रोज़ टाइप कर लेती है। वो बोलती जितना पैसा वो कमाती है वो उसके जीवन निर्वाह के लिए काफ़ी है। शर्लक बहुत ही धैर्य से ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए मिस्टर हॉस्मर एंजल, जिनके बारे में आप तहकीकात करने आई हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है? मिस्टर हॉस्मर का नाम सुनते ही उनके चेहरे पे, मिस मैरी के चेहरे पे शर्म आ जाती, जैसे कि वो बहुत प्यार में हो किसी से और उसे याद करके मुस्कुरा रही हों। बताती हैं कि हॉस्मर से सबसे पहले वो एक डांसिंग बॉल डांस जहाँ होता है वहाँ पर मिली थी, डांसिंग हॉल में, वहाँ का इनविटेशन आया था इन्हें। लेकिन इनके जो सौतेले पिता हैं मिस्टर विंडीबैंक, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि औरतें और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सोशल हों, बहुत लोगों से मिलें। उनका मानना है कि लड़कियों को घर में ही खुश रहना चाहिए। तो शर्लक कहते हैं कि फिर जब आप उस बॉल डांस पार्टी में गई थी तब तो आपके सौतेले पिता बहुत गुस्सा हुए होंगे।
तो कहती हैं मिस मैरी की, नहीं नहीं वो उस समय अपने काम से फ्रांस गए हुए थे और मिस मैरी के पास बहुत सुंदर सी एक ड्रेस थी, इसको पहन के वो बहुत खूबसूरत लगती थी, इसीलिए वही ड्रेस पहन के वो उस डांस पार्टी में गई और वहीं पे उनकी मुलाकात उस हैंडसम नौजवान हॉस्मर एंजल से हुई। साथ ही बताती हैं मिस मैरी की जो इनके सौतेले पिता हैं ये इनकी माँ से 15 वर्ष छोटे हैं और मिस मैरी से सिर्फ 5 साल 2 महीने ही बड़े हैं। शर्लॉक ये सुन के चौंक जाते हैं। वो कहती हैं मिस मैरी की शायद ऐसा लगता है कि पैसे की लालच में उन्होंने मम्मी से शादी की हो, लेकिन उनका तो खुद का भी अच्छा खासा काम है, वो काफ़ी ट्रैवल करते हैं। इस पर शर्लॉक पूछते हैं कि वो कहाँ ट्रैवल करते हैं, क्या काम करते हैं, तो मिस मैरी उन्हें बताती हैं उनके जो सौतेले पिता हैं वो वेस्ट हाउस एंड मार्क बैंक नामक कंपनी के लिए ट्रैवल का काम करते हैं, उनका बिजनेस प्रमोट करते हैं जो कि फ्रेंच स्ट्रीट पर स्थित है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। शर्लॉक पूछते हैं मिस मैरी से कि मिस्टर हॉस्मर उसके बाद उनसे कब मिले, जब बॉल डांस पार्टी में वो मिले थे। तो बताती हैं कि उसके बाद 1-2 बार मुलाकात उनसे और हुई, मिस्टर हॉस्मर मिलने के लिए मैरी से उनके घर पे आए थे, लेकिन जब मिस मैरी के जो सौतेले पिता थे फ्रांस से वापस आ गए तब मिस्टर हॉस्मर ने आना बंद कर दिया। बताती हैं कि मिस्टर हॉस्मर बहुत शर्मीले किस्म के हैं, बहुत धीरे धीरे फुसफुसा के बात करते हैं और टिंटेड ग्लासेस लगाते हैं, स्पेक्स जो हैं उनके जो रोशनी बजाने पे काले हो जाते हैं जिनके शीशे, वैसे चश्मे लगाते हैं और वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मैरी का, क्योंकि जब भी मैरी जो उनको चिट्ठियाँ लिखती थी तो जैसे कि उधर से चिट्ठियाँ जो लिखते थे ये मिस्टर हॉस्मर ये टाइपराइटर पे टाइप करके लिखते थे, लेकिन जब मिस मैरी उनको चिट्ठी टाइपराइटर से लिखती थी तो वो कहते थे कि नहीं तुम अपनी हैंडराइटिंग भी लिखा करो क्योंकि इससे आत्मीयता रखती है। इसी तरह की छोटी छोटी बातों ने मिस मैरी का दिल मोह लिया था। शर्लॉक फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो आपके मिस्टर हॉस्मर हैं ये कहाँ पर क्या काम करते हैं। तो बताती हैं मिस मैरी कि ये कैशियर हैं लेडन हॉल स्ट्रीट पर। शर्लॉक कहते हैं लेडन हॉल स्ट्रीट तो बहुत बड़ी, उसमें कौन सा ऑफिस है उनका। तो मिस मैरी कहती उन्हें ऑफिस का नाम नहीं पता। तो शर्लॉक पूछते हैं कि फिर आप उन्हें चिट्ठी कैसे लिखती थी। तो बोले कि चिट्ठी लिखने के लिए जो थे इनके प्रेमी उन्होंने मना किया था मिस्टर हॉस्मर ने कि कभी भी उनके ऑफिस के पते पे चिट्ठी मत लिखना, नहीं तो उनके जो कोलीग्स हैं उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि कोई लड़की उन्हें चिट्ठी लिखती है और फिर ये बात खुल जाएगी। अभी वो बात को हाइड करके इनके अफेयर को रखना चाहते थे, इसीलिए लेडन हॉल पोस्ट ऑफिस के नाम पर वो उनसे चिट्ठी लिखने को कहते थे। मिस मैरी लेडन हॉल पोस्ट ऑफिस के नाम पे चिट्ठियाँ लिखती थी और मिस्टर हॉस्मर वहीं से आके चिट्ठियाँ कलेक्ट कर लेते थे। मिस्टर हॉस्मर हमेशा टाइपराइटर पे ही चिट्ठी लिखते थे, लेकिन मिस मैरी चिट्ठी हमेशा अपने हैंडराइटिंग में ही लिख के दिया करती थी। आगे बताती हैं मिस मैरी कि उन्होंने अपनी मम्मी को बताया इस बारे में, मिस्टर हॉस्मर के बारे में। उनकी मम्मी बिल्कुल तैयार थी कि ठीक है तुम्हें अगर लड़का पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। मिस्टर हॉस्मर भी तैयार थे, 1 हफ्ते के अंदर ही इनकी शादी हो जानी थी, लेकिन तब तक मिस मैरी के जो पिता थे वो अभी फ्रांस से लौटे नहीं थे। मिस मैरी की माँ कहती हैं कि वो उनके पिता को बाद में बता देंगी, लेकिन मिस मैरी अपने पिता को अंधेरे में रखना नहीं चाहती थी। हालांकि वो उनके स्टेप फादर थे इसीलिए वो फ्रांस में उनको चिट्ठी लिखती हैं, लेकिन वो चिट्ठी बैरन वापस आ जाती है, वो रिसीव नहीं होती है। शायद तब तक उनके जो स्टेप फादर थे वो फ्रांस से चल चुके थे। इधर शादी का दिन पक्का हो जाता है और चर्च पहुंच जाती हैं मिस मैरी अपनी मम्मी के साथ, लेकिन जो कैब आती है जिसमें आने वाले थे मिस्टर हॉस्मर वो कैब तो खाली ही आती है। शर्लॉक कहते हैं मिस मैरी से कि उनको तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि वो दुल्हन के जोड़े में तैयार रहीं और दूल्हा वहाँ आया ही नहीं, ना ही उसने कोई पैगाम भिजवाया। मिस मैरी कहती नहीं उन्हें शर्मिंदगी नहीं बल्कि उन्हें बहुत चिंता हो रही है मिस्टर हॉस्मर की, वो इस तरह के इंसान नहीं है, वो बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं और मिस मैरी को पूरा यकीन है कि वो कभी भी उनको धोखा नहीं देंगे। ज़रूर उनके साथ बहुत बुरा हो गया है इसीलिए वो लापता है। परेशान होकर मिस मैरी ने अगले ही दिन फ्राइडे को इनकी शादी निश्चित थी और सैटरडे की क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छपवा दिया उनके गुमशुदा होने का, जिसमें उनकी हाइट, उनके रंग रूप, उनके जो भी मींस था आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी चीज़ उसको छपवाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया किसी का। फिर शर्लॉक मिस मैरी और उनके पिता का एड्रेस पूछते हैं। मिस मैरी अपना एड्रेस बताती हैं, लेन नंबर 31 लायन प्लेस कैम्बरवेल। स्टेप फादर का भी एड्रेस बताती हैं कि वेस्ट हाउस एंड मार्क बैंक फ्रेंच चर्च स्ट्रीट। शर्लॉक कहते हैं कि ठीक है, वो बहुत जल्द से जल्द मिस्टर हॉस्मर का पता लगाकर उन्हें बताएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों शर्लॉक कहते हैं मिस मैरी से
कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर हॉस्मर अब कभी भी लौट के नहीं आएंगे। ये सुनके मिस मैरी रोने लगती हैं। शर्लॉक कहते हैं कि वो अपने काम में मन लगाएं और कोशिश करें भूलने की मिस्टर हॉस्मर को, क्योंकि हो सकता है वो लौट के ना आए। ये एक ऐसा केस था जो शर्लॉक ने सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन कभी भी अपने क्लाइंट को नहीं बताया कि ये केस सॉल्व हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ था ये हम कहानी में आगे जानेंगे। चली जाती हैं मिस मैरी। वॉटसन कहते हैं शर्लॉक से कि तुमने कैसे कह दिया मिस मैरी को कि मिस्टर हॉस्मर शायद उन्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा? शर्लॉक कहते हैं कि सबसे पहले उनके स्टेप फादर को हम लोग कल शाम को 6 बजे यहाँ बुलाएंगे। शर्लॉक ने मिस्टर विंडी बैंक के ऑफिस में एक इन्विटेशन भेजा कि उन्हें अगले दिन मिलने आना है, और एक रिटर्न उनके यहाँ से पोस्ट आई कि ठीक है वो मिलने के लिए आएंगे अगले दिन। अगले दिन जब मिस्टर विंडी बैंक वहाँ मिलने आए तो शर्लॉक ने पूछा कि आखिर उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी क्यों की। विंडी बैंक ने कहा क्योंकि उन्हें उनसे प्यार था। शर्लॉक ने कहा और उसकी बेटी से भी प्यार था। ये सुन के विंडी बैंक क्रोध से खड़े हो गए। तब शर्लॉक ने कहा कि वो सारी चिट्ठियाँ आप ही के ऑफिस से लिखी गई थी मिस्टर हॉस्मर के नाम से। ये सुन के मिस्टर विंडी बैंक चौंक गए। शर्लॉक ने अब ये खुलासा किया कि उसने जानबूझ के वो इन्विटेशन मिस्टर विंडी बैंक के ऑफिस में भेजा था, जिससे वहाँ से एक रिटर्न उसका जवाब आए और वो त्रुटि जो टाइपराइटर की है वो पकड़ी जाए। उस टाइपराइटर में वो त्रुटि थी जो ऑफिस में यूज़ हो रहा था मिस्टर विंडी बैंक के, कि उसका ई हमेशा धुंधला आता था और उसका आर की जो टेल थी वो हमेशा मिसिंग होती थी। वही सारे लव लेटर्स में भी त्रुटि थी और वही त्रुटि थी जो ऑफिस से उनके आया था जवाब। तब ये मिस्टर विंडी बैंक से कहते हैं कि क्या आप ही मिस्टर हॉस्मर बन के वो चिट्ठियाँ, वो प्रेम पत्र मिस मैरी को नहीं लिखा करते? आपने 15 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी तो कर ली, लेकिन फिर आपका दिल आ गया मिस मैरी पे और आपने एक साथ 2 औरतों को डेट किया। जब भी आप इस शहर में होते तो मिस्टर हॉस्मर ना होते, और हॉस्मर होते तो आप बहाना करके फ्रांस चले जाते। दिक्कत तो तब आई जब जो मिस मैरी थी उनकी जो मम्मी थी वो शादी में आने के लिए तैयार हो गई, और अब आप ये बात जान चुके थे कि अगर वो शादी में आएंगी तो वो झट से आपको पहचान लेंगी, इसीलिए आपने गायब होना ही ठीक समझा। शर्लॉक कहते हैं मिस्टर विंडी बैंक से कि वो कभी भी मिस मैरी के सामने इस बात का खुलासा नहीं करेंगे कि वो ही उसके प्रेमी मिस्टर हॉस्मर हैं, क्योंकि हमेशा के लिए बेटी और बाप का जो रिश्ता है वो दागदार हो जाएगा और शर्लॉक ऐसा कभी भी नहीं चाहते। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें शर्लॉक हमेशा छुपाते हैं मिस मैरी से कि उनका केस सॉल्व हो चुका है और मिस्टर हॉस्मर उनके स्टेप फादर हैं, इस बात का भी खुलासा हो चुका है। ये बात हमेशा ही छुपाई जाती है जिससे रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। मिस्टर विंडी बैंक के पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी अपनी ज़िंदगी की, और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। शर्लॉक यहाँ पर ये केस सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन मिस मैरी हमेशा निभिग रहती हैं। क्या वो कभी भूल पाएंगी मिस्टर हॉस्मर को, ये तो उनके फेट डिसाइड करेगा। फिलहाल ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें ऐसी दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।